सभी का ज्ञान की शक्ति चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने बोर्ड पर लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इस टॉपिक पर मेरी ये दूसरी क्लास है, एक क्लास में पहले ले चुका हूं, जिसमें कि मैंने पढ़ाया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिलेबस क्या है। उसमें मैंने एसरेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ाया था और सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ये पढ़ाया था। अब तीसरा जो इसका टाइप है ये आता है इंपरेटिव सेंटेंस को किस टाइप से चेंज करते हैं। पहली क्लास में जो पढ़ाया था वो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इस वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर उस क्लास को देख सकता है और उन चीज़ों को पढ़ सकता है। अब मैं ये इंपरेटिव सेंटेंस ले रहा हूँ। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस को कहते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस मुख्यतः चाहे वो किसी भी भाषा में हो, हर भाषा में इंपरेटिव सेंटेंस होता है, किसी भी भाषा में हो तो इंपरेटिव सेंटेंस में की तीन विशेषताएं होती हैं, तीन बातें बड़ी मुख्य होती हैं। नंबर वन ये होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी कोई सब्जेक्ट गिवन नहीं होता, कोई भी कर्ता इसमें दिया हुआ नहीं होता, तो फिर ये सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं। नंबर वन बात देखिए, ये सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मान लीजिए कोई भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। जैसे सिट डाउन है, गेट आउट है, स्टैंड अप है, तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट डू नॉट गो देयर, इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। या ये सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं, लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट से स्टार्ट हो सकते हैं। या ये सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होते हैं, लेट अस गो फॉर ए वॉक, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सेंटेंस ऑलवेज से स्टार्ट होते हैं, या ऑलवेज से स्टार्ट में होकर नेवर से स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान रहे जब ऑलवेज से या नेवर से स्टार्ट होंगे तो तब हम इनसे पहले, जब जहां हम टू से जोड़ेंगे तो टू से पहले हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ऑलवेज का। अभी मैं इसमें बताऊंगा विस्तार से, या नेवर का हम टू से पहले यूज करते हैं। उसके बाद आप देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का नियम क्या है डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने का। पहले मैं इनके बारे में बेसिकली इसका नियम बताऊंगा क्या है, उसके बाद फिर एग्जांपल से इसको तुम्हें समझाऊंगा। तो पहला आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें मैंने लिखा, देखिए यहां पर ध्यान देंगे सब, ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डोंट और डोंट डू नॉट लेट लेट अस ऑलवेज व नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे ऑलवेज से स्टार्ट होगा तो ऑलवेज गो देयर, इनके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तथा प्लीज से शुरू होते हैं, प्लीज से भी शुरू होते हैं। इन वाक्यों में कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता, याद रखिए इस वाक्यों में कोई सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता। मैं बता चुका हूं कि किस टाइप से कैसे स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इनमें कोई सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता, लेकिन सभी वाक्यों में यू सब्जेक्ट छिपा रहता है, अर्थात ये हमेशा यू को ही एड्रेसेस करके संबोधित करके बोले जाते हैं। किसी भी भाषा में हो, यदि मैं कह रहा हूं कि वहां जाओ तो किसे कह रहा हूं, जो सामने वाला होगा उसको ही कह रहा हूं, अर्थात ये तुम्हें को ही एड्रेसेस करते हैं। गेट आउट किसे कह रहा हूं, यू को, तो ये सभी सेंटेंस यू को ही एड्रेसेस किए जाएंगे, तो सब में यू करता छिपा रहता है। तो देखिए जब डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, जैसा कि मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि एसरेटिव सेंटेंस में हमने आरवी को और आरएस को दैट से जोड़ा था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आरवी तथा आरएस को हमने इफ से जोड़ा था, या डब्ल्यू की पावर एट की पावर एच से जोड़ा था। एसरेटिव सेंटेंस में सेड यस सेड टू को आरवी के टोल्ड में बदला था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आरवी के सेड यस सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला था। वो सभी नियम पहली क्लास में हो चुके हैं। तो देखिए यहां पर क्या नई चीज आ रही है इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में जो पहला नियम है वो ये है, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको कि मैं आरवी कहता हूं, तथा रिपोर्टेड स्पीच जिसको कि मैं आरएस कहता हूं, ये मैं बता रहा हूं। देखिए ध्यान दें कि पहली क्लास में ये बात बता चुका था, लेकिन जिन्होंने ये क्लास पहली नहीं की है तो ये समझेंगे, यदि मैं यहां पर आरवी आरएस लिखूं तो कि ये क्या है। आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है,
रिपोर्टिंग वर्ब के कोमा तथा रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इन दोनों को आरवी तथा आरएस को टू से जोड़ते हैं। पहले हमने किससे जोड़ा था, असरेटिव में दैट से और इंटरोगेटिव में इफ से या डब्ल्यू की पावर एट की पावर एच से जोड़ा था, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में हम इसे टू से जोड़ते हैं। और यह भी ध्यान रहे कि इंपरेटिव सेंटेंस ही ऐसे सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो कि आरवी तथा आरएस को टू से जोड़ते हैं, इस बात से याद रख लीजिए। और ये भी याद रख लीजिए साथ साथ कि केवल इंपरेटिव सेंटेंस में ही टेंस चेंज नहीं होता, और सभी सेंटेंस में जो चारों टाइप के हैं जो सिलेबस में है सब में टेंस चेंज होता है, केवल इनमें टेंस चेंज नहीं होता। तो याद रहे कि टेंस चेंज नहीं होगा, टू से जोड़ा जाएगा। दूसरा नियम क्या है, यदि आर एस डू नॉट से, डोंट से, नेवर से शुरू हो तो टू से पहले नॉट लगाते हैं। यानी जब हम टू से जोड़ रहे होंगे, अगर डोंट आया होगा आर एस के स्टार्टिंग में या डू नॉट आया होगा या नेवर आया होगा तो नेवर से पहले हम क्या लगाते हैं, नेवर के बाद एकदम से टू लगाएंगे, नेवर टू, नेवर टू का यूज करेंगे। और जब डू नॉट या डू नॉट डोंट आएगा तो डू नॉट में और डोंट में इन दोनों को हम हटा देंगे, और इनको हटाने के बाद हम टू से पहले नॉट लगा लेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात क्या होगी, इन वाक्यों में टेंस नहीं बदलता। देखिए यहां पर ये लिखा है एज इट इज रहता है, अर्थात एज इट इज का मतलब जो का त्यो रहता है, जिस टेंस में वो वाक्य दिया हुआ है उसी टेंस में रहेगा। केवल फर्स्ट सेकंड पर्सन बदलते हैं, पहली क्लास में बताया था फर्स्ट पर्सन आई और वी उनसे रिलेटेड टर्म्स होते हैं शब्द, और सेकंड पर्सन यू और योवर होते हैं, केवल वो बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आइए, इसको देखिए, आर वी के सेड या सेड टू को आर एस के भाव के अनुसार, आर वी में जो सेड या सेड टू दिया हुआ होगा वो जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाव में कोई ऐसा सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि उसमें किसी कोई प्रेशर डाला गया है, कोई बात बहुत जरूरी कहने के लिए या करने के लिए कोई कार्य दिया गया हो, अर्थात कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट कर देते हैं कि इसमें ये बात अनिवार्यते कही गई है, जैसे एडवांस आता है एकदम, नाउ आता है अभी, और इसके अलावा इमीजिएटली आता है, तो ऐसे जो वर्ड हैं ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर प्रेशराइज किया गया है, दबाव डाला गया है, जोड़ दिया गया है, कोई बात क्रोध में कही गई है। तो हम आर एस का जो भाव है उसके अनुसार देखेंगे, तो आर एस के भाव के अनुसार ऑर्डर आदेश में भी बदला जा सकता है, यदि वहां सलाह दी गई है तो एडवाइज में बदला जा सकता है जिसे हम सलाह कहते हैं, और रिक्वेस्टेड यदि प्लीज आया है उसमें, या बहुत वो बात बहुत ही प्रार्थनी भाव में कही गई है तो वहां पर रिक्वेस्टेड आएगा, और सजेस्टेड या प्रपोज केवल वहां आएगा जहां जो वाक्य लेटर्स से स्टार्ट होंगे। लेटर्स वाले वाक्यों में हमेशा सजेस्टेड या प्रपोज, सुझाव या प्रस्ताव का यूज करिएगा, ये बात सबकी समझ आ गई होगी। उसके बाद नंबर 5 को देखिए, यदि आर एस प्लीज से शुरू होता है, आर एस प्लीज से शुरू होता है, मान लीजिए मैं कहता हूं सिट डाउन, तो सिट डाउन तो क्या एडवाइस भी हो सकती है, टीचर कह रहा है, वक्ता को भी हमें देखना होगा, यदि वक्ता बड़ा इंप्रेसिव है, टीचर है, तो टीचर ने कहा था टीचर सेड सिट डाउन, तो इसका मतलब ऑर्डर है। और यदि हमारा कोई फ्रेंड हमें कहता है माय फ्रेंड सेड टू मी सिट डाउन, तो कोई मित्र होता है तो वो एडवाइस भी कर सकता है, वहां पर हम मित्र के अनुसार उसे एडवाइस में चेंज कर लेंगे। लेकिन यदि प्लीज से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और उसे प्लीज को वहां से हटा देंगे। प्लीज का रोल केवल इतना है कि प्लीज के आधार पर हमने वहां पर सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर लिया। उसके बाद छठे नंबर पर आइए, यदि आर एस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं, और अदर कॉम्पिटिशन्स में भी जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें बहुत आते हैं। यदि आर एस लेटर्स से शुरू होता है, लेटर्स से, तो आर वी के सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज, यानी सुझाव या प्रस्ताव में बदलते हैं। पक्का है ये बात, लेटर्स वाले वाक्यों में हमेशा सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज किया जाएगा, और आर वी तथा आर एस को
हम किससे, दोनों को किससे जोड़ेंगे, याद रखिए टू से नहीं जोड़ेंगे, लेटर से यदि स्टार्ट होगा तो आरवी तथा आरएस को दैट दे शुड से जोड़ेंगे, कहीं कहीं पर दैट वी शुड से जोड़ेंगे। जनरल वाक्यों में हम ये देखेंगे कि यदि उस आर वी का रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का यदि सब्जेक्ट आई है या वी है तो दैट वी शुड में जोड़ेंगे, और यदि आई के अलावा, वी के अलावा, फर्स्ट पर्सन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो आर वी का, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो वहां ऐसे वाक्य में, लेटर्स वाले वाक्य में जिसका आरवी का सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई दूसरा है तो वहां दैट दे शुड से जोड़ेंगे, ये बात याद रहे। नंबर 7 पर देखिए, यदि आरएस लेटर्स लेट से शुरू हो, उसमें अस ना आया हो, लेट से शुरू हो तो उससे पहले टू लगाओ, हमेशा लेट से पहले टू लग जाएगा, लेट जो का तू रहेगा, लेट हटेगा नहीं, जैसे लेटर्स हट जाता है लेट नहीं हटता, बस लेट से पहले टू लग जाता है, और आरवी का जो सेड या सेड टू है लेट वाले वाक्य में तो वो आरएस के भाव के अनुसार बदलता है। अब इस बात पर ध्यान देना, यदि आरएस का जो भाव है वो ऑर्डर है तो ऑर्डर में बदल जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में बदल जाएगा, एडवाइज है एडवाइज में बदल जाएगा। एक बात मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये बात आपको परेशान कर सकती है कि भाई वह डिफिकल्ट वर्ड आ गए उसमें रिपोर्टेड स्पीच में, तो कैसे उसको हम पहचानेंगे कि यहां पर कौन सा भाव बन रहा है। तो आप याद रखिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो सब्जेक्ट होता है और यहां पर ऑब्जेक्ट होता है, तो जब लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेट के बाद यदि मी आ जाता है, ध्यान दो, लेट के बाद यदि मी आता है, मैं कहता हूं लेट मी गो, लेट मी स्लीप नाउ, लेट मी ईट द फूड, मुझे खाना खाने दो, मुझे गाना गाने दो, मुझे सोने दो, इसका मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूं और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो ऐसे वाक्य में जिसमें लेट के बाद मी आया होगा ना, वहां पर सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, पक्का है। और यदि लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, किसी दूसरे के लिए कह रहा हूं किसी से, तो वहां पर वो मेरा ऑर्डर भी हो सकता है और वो मेरा एडवाइज भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों में जहां लेट के बाद कोई दूसरा हिम या हर आ रहा हो, कोई दूसरा पर्सन आ रहा हो, तो वहां पर हम उसको ऑर्डर या एडवाइज दोनों में से किसी भी एक में बदल सकते हैं, याद रखिए। उसके बाद देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करा रहा हूं। ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज लैंड मी योर बुक, लैंड मैंने देना, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दे दो। तो देखिए, अगर ये सेंटेंस है इसमें प्लीज भी नहीं आता, तब भी लैंड मी योर बुक, मुझे अपनी पुस्तक दे दो, तब भी ये रिक्वेस्ट ही था, लेकिन प्लीज नहीं और रिक्वेस्ट बना दिया। वहां पर जब ये लैंड मी योर बुक लगाते तो इसको हम एडवाइस में भी चेंज कर सकते थे, कोई भी मित्र किसी को सलाह दे सकता है कि मुझे अपनी पुस्तक दे दो। तो ही सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर बुक, तो यहां पर प्लीज आया है, प्लीज को हमने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया, और ही रिक्वेस्टेड मी, इसके अनुसार हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर लिया, ही रिक्वेस्टेड मी, और टू से जो इसे जोड़ दिया, जो नियम मैंने ऊपर बताया कि टू से जोड़ते हैं, टू लैंड, और यहां पर मी था एक फर्स्ट पर्सन है, ये ही के अनुसार हिम में चेंज हो जाएगा, और ये योर सेकंड पर्सन है, ये मी के अनुसार माई में चेंज हो जाएगा। मैंने ऊपर लिख दिया, ओनली वी हैव टू चेंज द पर्संस, टेंस चेंज नहीं होता, केवल पर्सन चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होंगे। तो सेंटेंस बना, ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई बुक। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिएगा, दूसरा सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक ए नॉइस। देखिए, समझिए, द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक ए नॉइस, ये सेंटेंस है, अध्यापक ने मुझसे कहा शोर मत मचाओ। अब देखिए, इस टीचर की जगह, इस टीचर की जगह अगर मैं यहां पर माई फ्रेंड ले लेता,
माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझे कहा शोर मत मचाओ। तो इस सेड टू को मैं एडवाइज भी चेंज कर सकता था, मेरे मित्र ने मुझे सलाह दी, और मित्र आदेश तो नहीं देगा, लेकिन चूंकि यहां इस सेंटेंस का जो ये वक्ता है द टीचर सेड टू मी, कहने वाला कौन है? टीचर है, इंप्रेसिव पर्सन है, इसका मतलब टीचर तो आदेश ही देगा। द टीचर एडवाइज मी, अध्यापक ने मुझे सलाह दी, नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी, और यहां डू नॉट हट जाता है, इससे पहले क्या लगा लेते हैं? नॉट टू, डू नॉट के लिए नॉट लगा दिया, टू से जोड़ा जाता है, नॉट टू मेक ए नॉइस। द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक ए नॉइस, तो देखिए सेंटेंस बन गया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि आप इसकी सेंस नहीं समझ पाते, कोई डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है, आपको उसका मीनिंग नहीं आता, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहां पर मैं ऑर्डर लगाऊं एडवाइज लगाऊं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है रिक्वेस्टेड ही लगाना पड़े। अगर किसी ने कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना करो, तो उसने ना एडवाइज किया ना उसने ऑर्डर किया, उसने रिक्वेस्ट की, अर्थात मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ा? देखिए रिक्वेस्टेड लगानी पड़ी। तो ऐसे वाक्यों का एक निदान है, एक सॉल्यूशन में बता रहा हूं ऐसे वाक्यों में जो कि नेगेटिव होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, ऐसे वाक्यों में आप ऑर्डर ने लगाकर इस वर्ड का यूज करना, फॉरबेड का, FORBAD, फॉरबेड, फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म है, फॉरबिड मैंने मना करना, फॉरबेड मना कर दिया, और फॉरबिडन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? द टीचर फॉरबेड मी टू मेक ए नॉइस, अध्यापक ने मुझे शोर मचाने से मना कर दिया। इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नेगेटिव सेंस इस फॉरबेड में छिपी हुई है। यह सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम फॉरबेड का ही प्रयोग करें। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि उसमें लेट का प्रयोग कैसे होता है, थर्ड एग्जाम्पल के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल है, और इसमें कहा कि ही सेड टू मी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, लेट मी गो नाउ। अब मैंने अभी बताया था, ध्यान दें इस बात को, अगर लेट के बाद मी आता है तो इसका मतलब ये सेड टू किस में चेंज किया जाएगा? रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी, और टू से जोड़ेंगे, लेट जोगा तो रहेगा टू लेट। अब ये मी फर्स्ट पर्सन है, और ये किसके अनुसार चेंज होगा? ये चेंज होगा ही के अनुसार, टू लेट हिम, टू लेट हिम गो नाउ को देन में चेंज कर देंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा दिए जाते हैं। चौथा सेंटेंस, इसे पहले ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि लेट के बाद अगर हिम होता, यहां पर लेट हिम गो नाउ, उसे अब जाने दो, तो यहां रिक्वेस्टेड की जगह एडवाइज लगता या ऑर्डर लगता, फिर रिक्वेस्टेड ना आता। रिक्वेस्ट केवल तभी आएगा जब लेट के बाद मी दिया हुआ होगा। चौथा सेंटेंस, अगर बाय द वे आता है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन, लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ सैर पर चलें। इसमें लेट अस आ गया। देखो लेट अस के आने से क्या हुआ, हमने एकदम समझ लिया कि भाई लेटस है, लेटस तो हट जाएगा, और ये जो सेट टू है ये किसमें चेंज होगा? ये सजेस्टेड में चेंज कर लो या प्रपोज में, एक ही बात है, कोई से भी कर लो। ही सजेस्टेड मी, और इस लेटस को मैंने बताया कि या तो दैट वी शुड में चेंज करते हैं या दैट दे शुड में चेंज करते हैं। That we should में तब चेंज करते जब यहां ही की जगह या तो आई होता या वी होता, W E V, इन दोनों में से कोई एक होता।
यदि दोनों में से कोई एक नहीं है, कोई अलग है, तो हमेशा किस में चेंज होगा? दैट दे शुड, दैट दे शुड में चेंज होगा, दैट दे शुड गो फॉरएवर, और हमेशा इसके साथ दैट दे शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट दे शुड गो फॉरएवर. ही सजेस्टेड मी दैट दे शुड गो फॉरएवर. मैं समझता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा. अब मैं नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि चौथा भाग है इसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का. तो इस चौथे भाग में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जान लीजिए. एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जहां पर कि कोई बात बहुत जोर देकर कही जाती है, क्रोध में कही जाती है, गुस्से में कही जाती है, या किसी बात का अनुमोदन किया जाता है, या बहुत दुख में कही जाती है, यानी जहां थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है किसी भी सेंटेंस को कहने में, किसी भी बात को कहने में. ऑल ऑफ सडन हम उस बात को कहते हैं, एकाएक हमारे मन में कुछ विचार आते हैं और हम उनको एकदम से एक्सप्रेस कर देते हैं. तो दुख के भाव भी हो सकते हैं, सुख के भाव भी हो सकते हैं, हर्ष भी है, शोक भी है, आश्चर्य भी है, ये सब चीजें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगी. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये देख रहे हैं आप, ये जो आई बनता है उसको उल्टा कर देते हैं तो ये बन जाता है इसका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हम इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है. जिन वाक्यों के अंत में ये चिन्ह दिया हुआ होगा, ये मार्क होगा, तो वहां पर निश्चित रूप से या तो कोई हर्ष, कोई शोक, कोई आश्चर्य, कोई क्रोध भरी बात कही गई होगी, तो वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. तो ध्यान दें इस बात पर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ठीक वैसे ही जैसे कि एसरेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने टेंस को बदला है, पर्संस को बदला है, ठीक उसी टाइप से टेंस भी बदलेंगे, पर्सन भी बदलेंगे, जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस नहीं बदला था. केवल ये पांच टाइप के सेंटेंस होते हैं. इंपरेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि टेंस नहीं बदलता, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी, और जो इससे इसके बाद आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस उसमें भी बदलेगा. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या नियम होता है, ध्यान देंगे इस बात पे. देखिए नियम नंबर वन, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, तो आरवी के कोमा तथा आरएस के इन्वर्टेड कोमा, इन दोनों को तो हम हटाते आ ही रहे हैं पहले से, लेकिन चूंकि इस बार आरएस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिया हुआ होगा यहां पर, तो इन तीनों को हटाएंगे. आरवी का कोमा भी हटेगा, आरएस का इन्वर्टेड कोमा भी हटाते हैं, और आरएस का जो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा इसको भी हटाएंगे, तथा आरवी तथा आरएस को दोनों को दैट से जोड़ेंगे. एसर्टिव में दैट से जुड़ा था, अब फिर एक्सक्लेमेटरी में आ गया, एक्सक्लेमेटरी में भी दैट से जुड़ा. केवल इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़ते हुए दो में, यानी असर्टिव में भी दैट से जोड़ा था आरवी आरएस को, यहां पर भी दैट से जोड़ते हैं. दूसरा नियम क्या होता है, ध्यान देंगे, टेंसेस तथा फर्स्ट सेकेंड पर्सन का परिवर्तन पूर्व की भांति रहेगा जैसा असर्टिव और इंट्रोगेटिव में होता है. ये बात मैंने यहां पर लिख दी, ये बात याद न रहे फिर भी, और मैं बोल रहा हूं इस बात को, आप कभी भी वीडियो से सुन सकते हैं, नियमों को देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा वो नहीं होगा कि परिवर्तन ना हो. केवल टेंसेस का परिवर्तन, पर्संस का परिवर्तन पूर्ववत रहेगा जैसा कि उन दोनों में था. उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि अब ये बात आती है कि आरवी का सेट या सेट टू, भाई पहले हमने बदल दिया, हर सेंटेंस में अलग टाइप से आ रहा है, तो यहां किसमें बदला जाएगा? आरवी के सेट या सेट टू को आरएस के भाव के अनुसार निम्नवत बदलते हैं. कैसे बदलेंगे? यदि हमने देखा कि आरएस में एलास आया है, एलास किस बात का प्रतीक है? दुख का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है. तो ये एलास, इसने हमें बस ये बता दिया कि यहां दुख भरी बात कही गई है, तो हम आरवी का सेड या सेड टू जो भी है उसको एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो भी चीज करेंगे, एलास हट जाएगा. उसके बाद यदि उसमें हुर्रे आया है, हुर्रे हर्ष का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज हो जाएगा. उसके बाद नंबर तीन पर परेवो आता है, परेवो शाबाश होता है, प्रशंसा की जाती है, शाबाशी दी जाती है. एक कैप्टन जो अपने खिलाड़ी की पीठ को थपथपाते हुए पैटिंग करते हुए कहता है, परेवो यू हैव वर्क वेल, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसका मतलब वो वहां पर उसको प्रमोट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है.
तो हमेशा बरेबो जिसमें आता है बरेबो को हटाइए और सेट या सेट टू को ऐसे वाक्य में अपोरोटिव में चेंज करते हैं, अर्थात अनुमोदन की या प्रशंसा की, तारीफ की। एक चौथी बात आती है फाई। फाई का मतलब होता है हेट करना, घृणा करना। कहीं कहीं पर फाई दिया हुआ होता है और यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। तो यहां पर एक्सक्लेम्ड विद कंटेप्ट, कंटेप्ट का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेप्ट में चेंज करेंगे और फाई को हटा देंगे। उसके बाद एक बात मैं और आपसे बताना चाहूंगा कि यहां पर जो है ओ, ये तो अलग से लिखिए, ओ आ, ओ हो, आहा, ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं। उनमें यह भी दिया होता है, ओह दिया होता है, आ दिया होता है, आहा दिया होता है, ओ हो दिया हुआ होता है। तो ऐसे वाक्यों में हमें उस आरएस के भाव को समझना पड़ेगा। यहां तो हमने देख लिया कि ये डायरेक्टली दुख का प्रतीक है, ये खुशी का प्रतीक है, ये शाबाशी का, ये घृणा का, लेकिन उन वाक्यों में हमें उसके सेंस को समझना होगा कि एक्सक्लेम भी सरप्राइज में चेंज करें या एक्सक्लेम भी सौरव में चेंज करें, एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करें। वहां पर हम देखेंगे। उसके बाद पांचवी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आती है एग्जाम में, हाउ या व्हाट। कभी कभी हाउ या व्हाट आ जाते, सेंटेंस बनते, व्हाट टाइप ऑफ मैन यू आर, व्हाट ए बिग माउंटेन, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ऐसे वाक्य आते। तो ऐसे वाक्यों में हाउ या व्हाट यहां आएगा, इसको हम चेंज करेंगे आरवी, और आरवी के सेट या सेट टू को ऐसे वाक्यों में चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर में या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। इन दोनों में से मैंने ओब्लिक कर दिया, कोई भी ले सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये तो हमने बदल दिया, आरवी का सेट या सेट टू तो बदल दिया, व्हाट या हाउ को देखते ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। लेकिन ये भी याद रहे कि व्हाट और हाउ को भी हम हटा देंगे और आरएस के भाव को समझेंगे। यदि यहां पर उसका भाव वेरी का बन रहा है तो वेरी में चेंज कर देंगे इन दोनों को, और ग्रेट में बन रहा है तो ग्रेट में चेंज कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्हाट को और हाउ को वेरी में या ग्रेट में चेंज करते हैं, याद रखिए, भाव के अनुसार चेंज करते हैं। अभी सेंटेंस एग्जाम्पल से इसको बताऊंगा। अब देखिए पहला एग्जाम्पल यहां पर समझिए, पहला सेंटेंस है ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन अलास इंडिया हैज लॉस्ट द मैच। ये दुख की बात है। यहां पर हमने चेंज किया अलास देखते ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दैट लगा दिया, अलास को हटा दिया, इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, दैट इंडिया हैड लॉस्ट द मैच, और सेंटेंस हमारा सही हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आई सेड हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन। ये खुशी की बात है कि उसने परीक्षा पास कर ली, कह रहा कि मैंने परीक्षा पास कर ली है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोला। हुर्रे देखते ही हमने इसको चेंज किया, आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। आई का आई रहेगा, आई फर्स्ट पर्सन है और यहां पर इस आरवी का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई को आई के अनुसार बदलेंगे तो आई रह जाएगा, आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, केवल टेंस बदला है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ही सैड व्हाट ए फूल यू आर, या सरप्राइज है, व्हाट वाला सेंटेंस है व्हाट ए फूल यू आर। तो यहां पर हमने इसको चेंज किया, व्हाट ए फूल देखते ही सैड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर लिया। दैट लगाने के बाद हमने देखा व्हाट ए फूल यू आर, और चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने मैंने सिखा दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जिसने नहीं पढ़े हैं इस वीडियो के नोटिफिकेशन पे चला जाए और वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो वहां देख ले, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस सेंटेंस का मुझे असर्टिव बनाना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी से। तो ये बना ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज व्हाट ए फूल यू आर, अर्थात वह एक महान मूर्ख है, दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल, दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल बना। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं और देखिए इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक सेंटेंस, इसमें कहता है चौथे सेंटेंस में द कैप्टन सेड
said to the player, comma, inverted comma begin. Bravo, you have batted well. आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, ये वो कह रहा है, कप्तान कह रहा है अपने खिलाड़ी से। उसने ब्रेव वर्ड यूज किया है, इसको मैं बनाऊंगा द कैप्टन, ए डबल पी एल ए यू डी डी अपोलोडिट। द प्लेयर भी लगा सकता हूं, अपोलोडिट द प्लेयर दैट, अब यू को प्लेयर के अनुसार चेंज कर देंगे, दैट ही हैड बैटेड वेल। ये सेंटेंस बन गया, ये टेंस चेंज हो गया। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये पांच बातें होती हैं, जिसने पांच बातें कंप्लीट कर ली समझ लो उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसकी मुट्ठी में आ गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, देखिए अब आपका आता है नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये लास्ट है इसका। और देखिए ये पांचवा भाग होता है, इसको हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, वही चीज होता है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें हम देखेंगे या तो कोई शुभकामना की जाती है, या प्रार्थना की जाती है, या कोई आशीर्वाद दिया जाता है, या कोई साप दिया जाता है, या कोई विदाई फेयरवेल हो रहा होता है। और इसमें मोस्टली जो आता है मे वर्ड आता है, या तो ये सेंटेंस मे से शुरू होते हैं, या इनमें कहीं ना कहीं मे छिपा रहता है। तो कैसे हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, बहुत ही इजी है। दो या तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, यदि एक बार उनको अच्छे से तैयार कर लिया, बस वही दो तीन टाइप है। तो देखो पहला क्या है, नंबर एक, आरवी के कोमा तथा आरएस के इन्वर्टेड कोमा को जैसे कि हम पीछे से हटाते आ रहे हैं उसी टाइप से हटाएंगे। और यदि यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, तो उसको भी हटा देते हैं और दोनों को दैट से जोड़ेंगे। ये क्लियर होगी बात। उसके बाद नंबर टू है, ये वाक्य मे से शुरू होते हैं, इनमें मे जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है या छिपा रहता है, और उस मे को हम माइट में चेंज करते हैं। मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे सब्जेक्ट लगाने के बाद। यदि शुरू हो रहा है मे से, तो मे का माइट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। उसके बाद तीसरी बात पे आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, कोई फेस्टिवल भी हो सकता है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, वो भी हो सकता है। तो यदि ऐसा आता है, इसमें हम जो है चेंज करेंगे उसके अनुसार कि यहाँ पर जो हमारा आरबी का सेट या सेट टू होगा, तो आरबी के सेट या सेट टू को हम चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे विस्ट में, डब्ल्यू आई एस एच ई डी। यानी एक शुभ कामना है, एक शुभ वर्ड है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, इन सब में आरवी के सेट या सेट टू को विस्ट में बदलते हैं। लेकिन बाय द वे यदि इसमें गुड नाइट आ जाता है, गुड बाय आ जाता है, या फेयरवेल आ जाता है, तो इन तीनों के लिए हम उसको बेड में चेंज करते हैं, बेड में चेंज करेंगे और विस्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए, बुरी कामना यदि किसी वाक्य में की जाती है, या कोई साथ दिया जाता है किसी को, तो ऐसे वाक्यों में सेट या सेट टू को कर्स में चेंज करते हैं। कर्स जो होता है, कर्स मीन्स अभिशाप देना होता है, एक वर्ब होती है, और इसकी ये सेकंड और थर्ड फॉर्म कर्स बन जाती है, अभिशाप में चेंज करते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि सेंटेंसेस में, ऐसे वाक्यों में हम जहां की किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उस टाइप के वाक्य में जहां कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन को हमेशा सेड या सेड टू को ऐसे वाक्य में कॉन्ग्रेचुलेटेड में ही चेंज कर देते हैं, बधाई दी। और यदि थैंक होता है, तो थैंक को थैंक्स में या थैंक यू में बदलते हैं। यानी सेड या सेड टू में विश लगाने की आवश्यकता नहीं होती, फिर कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा या थैंक्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला वाक्य है, ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु, आपकी आयु लंबी हो,
एक अच्छी कामना है, इसलिए हमने इसको बनाया ही विस्ट मी दैट, और यू को मी के अनुसार आई में चेंज कर लिया और इस मे का यहां इसके बाद माइट बना दिया, आई माइट लिव लॉन्ग। दूसरे नंबर पर आता है आई सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, आई सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। तो देखिए यहां पर गुड मॉर्निंग की उसने मित्र से गुड मॉर्निंग की, आई विस्ट माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आई विस्ट माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ऐसे भी बना सकते हैं आई विस्ट गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड, दोनों में से कोई भी एक बन सकता है। तीसरा सेंटेंस है सी सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। यहां पर देखिए वाक्य समझाने के लिए मैंने इसलिए आपको ये सेंटेंस दिया एग्जांपल में कि इसमें जो मे वर्ड है वो छिपा हुआ है, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस दे, तो इसमें मे छिपा हुआ है इसलिए हम इसको बनाएंगे सेट टू को हम चेंज करेंगे, विस्ट में चेंज करते हैं या परेड में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहां पर देखिए परेड लगाकर दिखाया, कहीं आपको देखें आप परेड लगा हुआ है तो परेड भी सही है, विस्ट लगाइए या परेड लगाइए एक ही बात है। सी परेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस यू, यहां पर मैंने देखिए इसमें माइट लगा दिया दैट गॉड माइट ब्लेस यू, अर्थात यहां पर देखिए यू लगाया, अब मैंने कुछ इसमें मिस्टेक की है उसको ही एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा दिया जाता है। यहां पर देखिए ये यू आप देखेंगे किसी सेंटेंस में भाई सही होगा, लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं तो यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन है और मी के अनुसार किस में चेंज हो जाएगा, ये होना चाहिए था मी में चेंज होना चाहिए दैट गॉड माइट ब्लेस मी। उसके बाद ही सेड टू मी मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। अब देखिए ये बुरी कामना की गई है, यहां पर सेट टू को हम चेंज करेंगे कर्स्ट में, ही कर्स्ट दैट आई, यू को आई में चेंज कर लिया, मे का माइट बना दिया, आई माइट गो टू हेल। इस तरह से ये नरेशन के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, इनको कैसे हमने बनाया। मैं बिल्कुल होप रखता हूं कि सभी बच्चों ने जिन्होंने मेरी ये क्लास की है दोनों उन्हें बिल्कुल समझ आ गया होगा ये नरेशन टॉपिक, और थैंक्स फॉर दैट।